चलायो, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। वो भी टोपी पहने हुए नहीं, याद रखिए, उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ इंडी गठबंधन के नेताओं पर पाकिस्तान की छाप है उनके बयानों पर। इंडिया का बयानिया हमेशा एंटी पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान हमेशा कोशिश की है उन्हें, पाकिस्तान ने के तजारत को, ट्रेड को, तमाम ताल्लुकात को पाकिस्तान इक्वल बेसिस के ऊपर लेके चले। लेकिन अगर हम देखें इंडिया के अपने करैक्टर के ऊपर, तो उसमें हम देखते हैं कि कश्मीर की अभी जो करंट सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसिस हैं, उसमें इंडिया ने इवन के लोगों को वहाँ पे महसूर करके रखा हुआ है, इतना जुल्म कर रही है। टेक्नोलॉजी ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम सब डेवलप हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में आप देखिए क्या सिस्टम है, सारा रट्टे का सिस्टम है, वो सिलेबस में पढ़ा रही है, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि वो कंट्री आगे निकल गई है, वो नहीं है। आप देखिए सिंगापुर को देखिए, ताइवान को देखिए, इनके अलावा अब खासतौर इंडिया आजकल एक बड़ी मईशत है, इनके अलावा अगर आप चाइना की बात भी आपने की, तो यही मसाइल है पाकिस्तान की। आईटी कर रहे हो, अगर हम पाकिस्तान की आईटी का इंडिया की आईटी के साथ और कहाँ पे इंडिया की एजुकेशन, कहाँ पे हमारी एजुकेशन? आप थोड़ा बहुत, आप लगता है थोड़ी नींद में है, जो आपने पाकिस्तान की एजुकेशन को आपने इंडिया के साथ कंपेयर किया। कितनी बार उन्होंने अपनी तोपों के मुंह इधर किए, लेकिन जब उनको डायरेक्ट सिस्टम ऐसा पता चल जाता है कि 80 बैल ही उधर मुंह करके बैठे हैं, एक बार उधर से आए हम 10 मारेंगे। कश्मीर किसका होना चाहिए? कश्मीर इंडिया का होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि इस मुल्क में आपको मेहनत का रिवॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है? इस मुल्क में ये निज़ाम बेसिकली डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है। ये एक ऐसी हकीकत है कि इसको तस्लीम किए बगैर इस मुल्क में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। किसी शख्स के आने से और जाने से, किसी लीडर के आने और जाने से इस मुल्क में तब्दीली नहीं आने वाली। आप किस हक में जंग होनी चाहिए कश्मीर? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के, बेशक गुस्सा लगे, लेकिन हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। 370 ये जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने सुना है, सबसे बेहतर बात उन्होंने की है, जंग धोया। ये कश्मीर मिलेगा कैसे हमें? जंग से मिलेगा। तो पहले तीन जंगे हो गई है, कोई मसला नहीं। इंडिया के ऐसी जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ठीक है, ठीक है, हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए हमें। जंग के अलावा तो और कोई हल है नहीं, प्यार से तो उसने देना नहीं है। हम इन जंगे करके भी देख लिए हैं, जंग तीन छोड़ो कि हम 500 जंग करने भी अड़ेंगे ना, तो फिर भी हम करेंगे ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे, सब कुछ होगा, मगर ये देश रहना चाहिए। तो मैं इसलिए देश की जनता से कहना चाहूंगा कि कहनी है एक बात, मुझे आज देश के प्यारों से संभल कर रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। जंग के लिए चाहिए क्या? सही बात है, जज्बा। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ कि ये कोई खंबा है या कोई पिलर है या ये जज्बे से ये रिक्शा उठा के दिखाए मुझे जरा। ठीक है जी, किसी बहादुरी का देख, हमारी जानों का जज्बा देख, ये रिश्ता उठाने का क्या जज्बा आया? इंसान के आइटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है, किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी पे चलाना ना, फिर हम कहते हैं ये तो बना उस काम के लिए, ये बना मुल्क के दिफा के लिए, इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए, कल को हम चलाएं ये चले ही ना भाई, इसको ट्राई करें व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास। के पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो खड़े, हम कौन से रोकने वाले हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। ये भी याद रखे, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिएगा, उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा, और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे, और इस मंशा को एक नहीं कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके। हम अपनी आर्मी हटा लेते अगर इंडिया आ गया तो?
नहीं, इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है, हमारे पास एटम बम है, हम एटमी ताकत है, तो इंडिया की जरूरत नहीं है वो, इंडिया के पास एटम बम नहीं है, लेकिन वो डरता है, हमारे पास इस्लाम की ताकत है, 22 करोड़ मुसलमान है, आप क्या बात कर रहे हैं, 22 करोड़ जो मुसलमान है, कश्मीर की बात करते हो आप, इंडिया का कश्मीर ले आते हैं, नहीं वो हमारे अटूट अंग है, हमारा हिस्सा है, वो तो आने आजादी के लिए सब आएगा, आप कल जंग करवा दो पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा आगे होगा, क्यों जज्बा है जंग का, जरूर आएंगे, ये खड़े हैं, किसी भी पूछ ले, अभी कॉल कर दे सब जाएंगे, लेकिन जो अब की हुकूमत है वो पैसों के सर दम पे बैठी हुई है, अब जहाँ आपको पता है सब पता है, ये पैसे किसके हैं, पैसे की हुकूमत पे ही सब कुछ चल रहा है, ये पैसे किनके हैं जो जा रहे हैं, कश्मीरों का मुझसे मरना ही तय है, बस यही है, पाकिस्तान के पास जो आइटम भी है वो अगर रूस को देवे ना, अगर रूस को दे देवे पाकिस्तान पूरा अमीर बन जाएगा, पाकिस्तान पावरफुल अमीर बन जाएगा, एक एक बच्चा अमीर बन जाएगा, अच्छा, तो हम नहीं देते ना, हम किधर आइटम हम दे सकते नहीं दे सकते, अच्छा आप अपनी ओपिनियन है, इधर मजीद भी लोगों से बात करेंगे, मुझे आप ये बताइए आप किस हक में है, जंग होनी चाहिए कश्मीर, बिल्कुल कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए, वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के बेशक गुस्सा लगे, लेकिन हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है, 370 हटाया, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र छोटी है, पहले 3 जंगें लड़ी, जज्बा भी था, किताब नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह है आज भी है, जी है, ठीक है, तब तो हमारे साथ अमेरिका बहादुर भी मौजूद थे, तब हम ये 3 जंगें उस तरीके से कश्मीर के मामले में लड़ी नहीं जीत पाए, या वो जो मकसद था, फिर आप एक काम करें ना, अगर हमने कश्मीर की जंग नहीं लड़नी, अच्छा, देखिए आपकी बात भी आ जाते हैं, अगर आप कहते हैं कि कौम का और हुक्मरानों का जिस दिन हमने जंग नहीं लड़नी, तो फिर बॉर्डर खोल दें, अच्छा, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में जम कर दें, खत्म हो जाएगी बात, फिर तो लड़ाई खत्म हो जाती है, हमारा पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि पता लगे हलाली कौन है और हरामी कौन है, अच्छा, हमारा फर्क जो ये खत्म किया ना हमने, ये जो ये फर्क तो नहीं था, ये था कि देखे ना जब हम कुफार के साथ लड़ रहे थे, अच्छा, जो उधर मुसलमान रह गए वो फिर क्या, तो इधर काफर भी रह रहे हैं, सिख भी मौजूद है, हिंदू भी मौजूद है, ईसाई भी मौजूद है, अकलियत की कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, लड़ी किसके साथ जाती है, कुफर के साथ, नहीं नहीं मतलब क्या सामान क्या चाहिए, जंग के लिए सामान ये है जो डॉक्टर कदीर साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हमें इतना बड़ा आइटम दे हमारे बाबा तो उनके पास भी है, हमारे तो चलाए ना भाई, ये किस लिए है, ये किसी शर्त का नुकसान होगा ना, कुरान जब कुरान कह रहा है जहाद फर्ज है, आप इंसानियत कहां से ले आए, अच्छा यानी इंसानियत पहले है या जहाद पहले, चलें आईटी कर रहे हो, अगर हम पाकिस्तान की आईटी का इंडिया की आईटी के साथ, और कहाँ पे इंडिया की एजुकेशन, कहाँ पे हमारी एजुकेशन, आप थोड़ा बहुत आप लगता है थोड़ी नींद में है, जो आपने पाकिस्तान की एजुकेशन को आपने इंडिया के साथ कंपेयर नहीं, 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 मैं कह रही थी कि उनकी आईटी और अपनी आईटी में देखिए उनकी तो मोनोपोली है, हमने कितना इम्प्रूव किया, आपने मुझे सवाल ही नहीं पूरा करने दिया, हाथ जोड़ लिए क्यों, आपको जब मैंने हाथ जोड़ा आपको तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप अगला सवाल कर लें, क्योंकि चले मैं आपकी तरफ आता, तो आपने आईटी की बात की ना, आप माशाल्लाह से पाकिस्तान की आईटी इतनी ऊपर है, इतनी ऊपर है कि हम लोग अपना कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं बना सके जिसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं नादरा के आप ऑफिस जाएं, वहाँ पे एप्पल के मैकबुक पड़े हैं, हमारे माशाल्लाह से इतने होनहार लोग हैं कि उनको एप्पल का मैकबुक का सॉफ्टवेयर ही नहीं यूज करना आता है, एंड्रॉइड का अंदर किया हुआ है, अब यहाँ से अंदाजा लगाए मैकबुक के अंदर एंड्रॉइड का क्या काम है, तो यहाँ से आप लगा लें हम अपना सॉफ्टवेयर खुद इतना नहीं बना सकते, चाइना ने अपना सैटेलाइट का वो रॉकेट लॉन्च किया है, पाकिस्तान ने बीच में अपना इनवाइट वाला कोलैबोरेशन, हाँ मून मिशन किया चाइना ने, पाकिस्तान पता नहीं क्यों फल बैठ रहा है, पाकिस्तान कह रहा है इंडिया ने किया, अब लो जी हमने भी कर लिया मून मिशन, ये कौन सी बड़ी बात है यार, देखिए ना मैं यहाँ पे कोई हेट नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के अंदर ये है कि पाकिस्तान की एजुकेशन हमारी जो इस टाइम हमारी इकोनॉमी है ना उसके लिहाज से पाकिस्तान की एजुकेशन अच्छी है, लेकिन फैसिलिटीज नहीं है, फैसिलिटीज इसलिए नहीं है क्योंकि देखना कोई बंदा कोई जॉब करके जाएगा, अब यकीन माने मैं परसों किसी रेस्टोरेंट में ढाबे वाले साइड में खाना खाने गया था, मेरी वैसे ही उस लड़के से बहस हो गई एजुकेशन के ऊपर ही, उस मैंने उससे पूछा कि भाई आपने क्या स्टडी की हो, कहता मैंने UET इस्लामाबाद से मैंने BScS की हुई है, मैं कहा फिर आप कर क्या रहे हो, कहता ये काम करो भाई जॉब ही नहीं मिल रही, अब यहाँ से अंदाजा लगा ले कि हमारे अपने ही मुल्क के अंदर हमारे अपनी डिग्री की वर्थ नहीं है, तो हम लोग बाहर जाकर क्या दिखा कर रहे हैं, अब दूसरी बात देखें मैं ना कोई 4 साल पहले मैं पाकिस्तान आया हूँ, अच्छा। मैं सारा मेरी पढ़ाई जितनी भी थी ना एक साहब की स्कूल कॉलेज तक की पढ़ाई मेरी सारी सऊदी अरब की है, अच्छा। वहाँ पे जितने भी आप मेरे स्कूल फेलोज थे ना उन सब के पेरेंट्स ना इंडिया से पढ़े हैं, कोई किसी ने IT में किया कोई BScS करा, और सब सऊदी अरब के अंदर ना उनकी ऐसी तनख्वाह है पाकिस्तानी ना उनकी मंथली ना 15 से 20-25 लाख उनकी तनख्वाह है, इंडिया के जो पढ़े हुए हैं, इंडिया से जो पढ़े हुए हैं, अब चलो हम क्या इंडिया से कंपैरिजन करें, हम श्रीलंका बांग्लादेश के साथ नहीं अपनी पढ़ाई को कर सकते कंपेयर, हम लोग ने क्या किसी के साथ कंपेयर करा जब हमारे अपनी फैसिलिटीज नहीं अच्छी, कश्मीरियों ने कभी ये नहीं कहा कि हम आज़ाद रहेंगे, कश्मीरियों ने ये कहा है हमारा है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के साथ हैं, बल्कि हमारी गवर्नमेंट और जो भी कुछ लोग आए हमारे हुक्मरान वगैरह उन्होंने कभी भी कश्मीरियों की हमायत नहीं की बल्कि उनको नुकसान पहुँचाया है, चाहे वो कि सिर्फ अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए कश्मीरियों कुछ नहीं किया, हमने अक्सर इंडिया को खुश किया है, यहाँ तक कि मोदी जो एक दफ़ा इस्लामाबाद आया था सरोजा कॉन्फ्रेंस में, तो यहाँ तक कि हमारे मुल्क से जो था गौरी मिसाइल उसका मॉडल लगा था उसे तक उतरवा दिया गया था कि मोदी ने यहाँ से गुजरना है,
हम इस हद तक गिरे हुए लोग हैं, हम अपनी मुल्क की सही तरह हिफाजत नहीं कर रहे, और शायद हमारी क्या कमजोरियां, हम अपने अपने मफादात में लगे हुए हैं। जो भी कोई आता है अपने मफादात में लगा हुआ है, इस मुल्क के मफादात को कभी किसी ने नहीं देखा।